वही बीजापुर जिले में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को हुए मुठभेड़ में पुलिस के जवानों ने अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। बता दें कि थाना गंगालूर क्षेत्र में डीआरजी, एसटीआरएफ कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी सर्चिंग हेतु रवाना हुई थी। इसी दौरान ग्राम लेंड्रा के जंगल में पुलिस पार्टी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान अब तक 3 महिला नक्सली सहित कुल 13 नक्सलियों के शव को बरामद किया गया है, जिनकी पहचान की जा रही है। जानकारी के अनुसार घटनास्थल से अब तक एक नग एलएमजी ऑटोमेटिक हथियार, एक नग 303 राइफल और भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की गई है। दिनांक 2 अप्रैल को जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती थाना गंगलूर अंतर्गत कोरचोली लेंड्रा इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीओ माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिविजनल कैडर्स तथा पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कैडर्स का उपस्थिति का सूचना पर डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गई। अभियान के दौरान दिनांक 2 अप्रैल सुबह लगभग 6-7 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल के सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई। इनमें से 3 माओवादी महिला माओवादी का भी डेड बॉडी है। घटनास्थल से एक एलएमजी, एक 303 और काफी बड़ी संख्या में बीजीएल लॉन्चर्स, बीजीएल शेल्स, टोलबोर एवं अन्य आर्म्स अमुनिशन बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों का शिनाख्त अब तक जारी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी अनुसार इसमें से अधिकतम पीएलजी कंपनी नंबर 2 का माओवादी का रसोड़ा का संभावना बताया जा रहा है। आसपास इलाके में भी अतिरिक्त रिइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा इलाका का कॉर्डन करके सर्च की जा रही है।